नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल अलग और नए तरीके की पोहे की रेसिपी। पोहा वैसे तो ज्यादातर सभी घरों में बनता है, लेकिन हम आज जिस तरीके से पोहा बनाएंगे, इसे खाने के बाद आप सारे तरीके भूल जाएंगे। इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है, इसे एक बार खा लेगा वो इस पोहे का दीवाना हो जाएगा। बिना भूख के भी सब लोग दो दो प्लेट खा लेंगे। इसे आप चाहे नाश्ते, लंच या डिनर में बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये बनाने के लिए हमने पोहा ले लिया है, इसे चिड़वा भी कहते हैं, फ्लैटेड राइस भी कहते हैं। सर, ये ग्राम के हिसाब से ना ये 200 ग्राम के करीब है। इसको पहले सबसे पहले हमने वॉश करना है। मैंने इसको एक छन्नी में डाल दिया है और पानी डाल रही हूँ, जिससे यह धुल भी जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। अच्छी तरह चारों तरफ से हमने इसको गीला कर देना है। देखिए इस ढंग से मैंने छन्नी में इसलिए डाला है जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो नीचे निकलता जाए। देखिए मैंने दो बार इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने छन्नी में ही डाला है, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके साथ ही मैंने ले लिया 3 टमाटर, उनके कैप हटा दिया है, उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इस पे हम एक निशान से डालेंगे चक्कू से, जैसे प्लस का निशान होता है ना, इस ढंग से तीनों टमाटरों को डालकर तैयार कर लेंगे। एक पतीले में ना 1.5 गिलास के करीब पानी उबलने रख दिया था, पानी में उबाल आ गया है। अब जो तीनों टमाटर थे ना जिसपे हमने निशान लगाया था, वो इसमें डाल देंगे और गैस को कर देंगे मीडियम। इन टमाटरों को हमने तब तक उबालना है जब तक इनका जो छिलका है ना वो सॉफ्ट नहीं हो जाता। चाहे आप इसको ढक के उबाल लें चाहे खुले में उबाल लें, मीडियम गैस पे उबाल लें। देखिए ये हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे जो इसका छिलका है ना, जो हमने निशान लगाया था, वो छिलका उतरना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये हो चुके हैं। गैस को बंद कर एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। देखिए थोड़े थोड़े ठंडे हो गए हैं, हम छू पा रहे हैं। देखिए ये जो छिलका था आप देख पा रहे होंगे बहुत आराम से उतर रहा है। ऐसे ही सारे को तैयार कर लें छील कर। देखिए हमने टमाटर को छील लिया है। अब मैंने लिया मिक्सी का जार, जिसमें मैं इसमें रफली चॉप कर दूंगी टमाटरों को और इसे पीस कर तैयार कर लूंगी। हमने सभी टमाटर को पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब लेंगे एक कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसे गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई। पहले इसे हम थोड़ा सा चला देंगे जो राई है अच्छे से चटक जाए। ये हो गया। मैंने लिए थे कुछ कड़ी पत्ते, फ्रेश कड़ी पत्ते लिए थे, वो डाल रही हूँ। कड़ी पत्ते डालते समय जरा ध्यान रखें क्योंकि ये चटकते हैं, और गैस को स्लो करके डालें। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। और मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज के आलू, कच्चे आलू लिए थे। आप देख पा रहे होंगे मैंने बहुत छोटा काटा है, बहुत पतला काटा है। इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और किचन टॉवल पे पोंछ लिया है, छींटे ना आए। इसको भी ना हमने 2 मिनट के लिए भून लेना है। इसमें पहले 2 मिनट तक हमने आलूओं को भून लिया है। ये करारे भी हो गए हैं और काफी हद तक जो आलू है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं डाल दूंगी इसमें 1 हरी मिर्ची, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था। हरी मिर्ची कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची ध्यान से डालें। और मैंने लिया था 1 बड़े साइज का प्याज, जिसको छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो डाल रही हूँ। प्याज को भी ना हमने भून लेना है 2 से 3 मिनट तक मीडियम गैस पर ऐसे ही चलाते हुए। देखिए प्याज भी हमारी हो गई है, आप देख पा रहे होंगे सॉफ्ट भी हो गई है और हल्की हल्की गुलाबी भी हो गई है। अब डालेंगे कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है, मैंने उसका यूज किया है। अगर आप चटपटा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप तेज वाली भी डाल सकते हैं। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। पहले इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सब चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब जो हमने टमाटर पीसे थे ना मिक्सी में, वो डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने लिया था 1 टमाटर, जिसे पतला और लंबा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। अब इन्हें भी ना हमने मिक्स करते हुए पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। गैस को मीडियम रखना है।
देखिए ये भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब इसके स्वाद और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें हाफ टी स्पून डाल रही हूँ चाट मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन आप जब इसमें डालें ना चाट मसाला, तो नमक का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें भी नमक होता है। मिक्स कर दें। देखिए मिक्स हो गया। अब इसमें हमने पोहे को भी डाल देना है। जो हमने छन्नी में निकाल रखा है वो काफी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अच्छे से मिक्स करेंगे पहले तो इसे। ये मिक्स हो गया है। अब इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा। इसे जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है इसमें। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मूंगफली भुनी हुई, इसको मैंने तवे पे भून लिया था, ये भी 2 टेबलस्पून के करीब ही है। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए अब ये पोहा बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी मैं इसमें भुजिया डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी नमकीन हो आप उसमें डाल सकते हैं, इससे स्वाद बढ़ जाएगा। आप इस ढंग से स्पेशल टमाटर का पोहा बनाएंगे ना, ये सबको बहुत ही पसंद आएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद है आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।